सिंधिया की बेइज्जती प्रियंका गांधी को पड़ गई भारी। गुस्साए सिंधिया ने भी गांधी परिवार की इज्जत उतारी। प्रियंका गांधी ने सिंधिया को कहा छोटे कद का नेता, तो सिंधिया ने भी पार्ट टाइम नेता बताकर किया पलटवार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में शामिल होना लगता है कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि सिंधिया की बगावत की वजह से ही कांग्रेस को मध्य प्रदेश की सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। शायद यही वजह है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल करने का वक्त आया, तो कांग्रेस ने इस बार पीएम मोदी के साथ साथ उनके मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी जैसी कांग्रेस की दिग्गज नेता जब मध्य प्रदेश के दतिया में बुधवार को चुनावी रैली करने पहुंची, तो सीधे सिंधिया पर वार करते हुए उन्हें छोटे कद का नेता बता दिया। फिर क्या था, सिंधिया ने भी आव देखा न ताव, प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम नेता बताकर मुंह तोड़ जवाब दे दिया। साल 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे, तो उस वक्त लोकसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी ने उन्हें प्रभारी महासचिव बनाकर प्रियंका गांधी के साथ यूपी में कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप दी। दोनों नेताओं ने यूपी में खूब काम भी किया, लेकिन सिंधिया साल 2020 में अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। ये सदमा लगता है कांग्रेस आज भी भूल नहीं पाई, इसलिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करते वक्त खुद प्रियंका गांधी ने सीधे सिंधिया पर जोरदार हमला बोल दिया। एक चुनावी रैली में उन्होंने सिंधिया को छोटे कद का नेता बताते हुए कहा, सिंधिया के साथ उत्तर प्रदेश में काम किया है, कद में भले ही सिंधिया थोड़ा छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो वाह भाई वाह। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने सिंधिया को महाराजा कहे जाने पर भी तंज मारते हुए कहा कि मुझे महाराज वहाराज कहने की आदत नहीं, लेकिन एमपी में जो भी आता तो उन्हें महाराज कहता था। इनके जो सारे नेता है ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता है। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में, हम यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की तो हम भी यूपी के हैं आदत है, हम लोग शिकायत गुस्सा नाराजगी सब निकाल देते हैं, महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है, विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है, आपके पीठ में छुरा भोका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने छोटे कद के नेता और अहंकारी बताकर जोरदार हमला बोला, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पलटवार करने से नहीं चुके। चुनाव प्रचार खत्म होने की वजह से प्रियंका को मंच से तो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन सोशल मीडिया पर जरूर मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने प्रियंका को पार्ट टाइम नेता बताते हुए कहा, प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन दो परंपराओं के फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी थी। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी, और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी खुद विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है। काबिलियत को कद से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया खुद के आईने में झांक लें।
सिंधिया पर वार करते करते प्रियंका गांधी अपने भाषण में चंबल को चंबा बोल गई थी। इस मामले पर भी सिंधिया ने उन पर पलटवार करते हुए कहा, भ्रष्टाचारियों और वादा खिलाफियों के शासन को बार बार सिंधिया परिवार ने बदला है और एक बार फिर जनता मध्य प्रदेश से आपका सूपड़ा साफ करने जा रही है। अपने भाषण के दौरान ग्वालियर चंबल को ग्वालियर चंबा कहने वाली प्रियंका गांधी जी को मेरे परिवार पर आक्रमण करने के लिए भी एक पर्चे पर लिखी लाइनों की आवश्यकता पड़ी। उनकी सोच और ग्वालियर चंबल को लेकर समझ कितनी है, इसका अंदाजा भी लगाया गया। ग्वालियर चंबल की मेरी जनता से अनुरोध है कि सम्मान और निम्न स्तर के भाषण का उत्तर जरूर 17 नवंबर को अपना मतदान करके दें और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएं। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोटे कद का नेता बताकर प्रियंका गांधी ने भले ही उनका मजाक उड़ाया हो, वैसे आपको बता दें साल 2019 से ही यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रही प्रियंका गांधी खुद बड़े कद का नेता होकर राज्य में पार्टी का कितना विकास कर पाई है ये इसी बात से समझ सकते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी के नेतृत्व में साल 2022 का यूपी चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 403 विधानसभा सीटों में से महज 2 सीटों पर ही जीत नसीब हुई थी। इतना ही नहीं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी को भी अमेठी से चुनाव नहीं जीतवा पाई थी। इस चुनाव में कांग्रेस को यूपी की 80 में से महज 1 सीट पर जीत नसीब हुई थी और आज यूपी जैसे बड़े राज्य में 1 सांसद और 2 विधायक वाली पार्टी कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी चली हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोटे कद का नेता बताने। वैसे भी बात कद की है तो जनता के सामने सिंधिया ने खुद को साबित किया है। मध्य प्रदेश की गुणा लोकसभा सीट से वो लगातार 4 बार सांसद रहे, लेकिन प्रियंका गांधी को पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर बिना कोई मेहनत किए ही पार्टी महासचिव का बड़ा पद दे दिया गया, क्योंकि वो उस गांधी परिवार के सदस्य हैं जिसके इशारे पर कांग्रेस चलती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही आज पार्टी के अध्यक्ष हों, लेकिन पार्टी के बड़े नेता जितना सम्मान गांधी परिवार को देते हैं उतना सम्मान शायद खड़गे को भी नहीं मिलता। इसी बात से आप समझ सकते हैं, ऐसे में अब आप कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं कि छोटे कद का नेता कौन है, प्रियंका गांधी या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। नमस्कार। कांग्रेस की सरकार जब थी, प्रधानमंत्री जी ठीक कहते हैं, सरकार तो थी पर उसका नाम था लापता सरकार। लापता क्यों? बिजली लापता, सड़क, अरे पीछे से बोलो, सड़क, पानी, लापता सरकार। सड़कों क्या हाल थे भैया, मुंगावली से चंदेरी जाना पड़ता था, सड़क तो सीधी होनी चाहिए, गाड़ी या स्कूटर या ट्रैक्टर चलती थी तो सांप की तरह ऐसे चलती थी गड्ढे बचाकर। गुना अगर जाना पड़ता था तो 4 घंटे लग जाते थे और अगर भोपाल जाना पड़े, भगवान ही बचाए अगर सड़क मार्ग से जाना हो।